हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सामी नियाज फिर आपके साथ में हाजिर हूँ। मैं लाड़काने में आया हूँ और मैं आपको कुछ सीन दिखाऊंगा। सीन के फिलहाल छोड़ो, मैं अभी बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पे जा रहा हूँ, जो एक बड़ी अजीम और कदीम शख्सियत। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी तो मैं ना कर आया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। अभी देखते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगी। अभी क्या बोलते हैं, इस वक्त मैं बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर आया हूँ। ये आप सैन मुबार देख रहे हैं चारों तरफ, और ये रोज़ा आप उसका देख रहे हैं, मज़ार उसकी ये वाली देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पर अभी तो रश नहीं है, पता नहीं क्यों। फिलहाल यहाँ पर मोहतरमा की वर्सी होती है, तो लाखों में लोग आते हैं। मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊँगा और देखते हैं आगे क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये सारा, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया बाहर है 12, जो जहाँ पर गेट लिखा था वाइट कलर से, ये इसका गेट है। यहाँ से अंदर एंटर होते हैं लोग, और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके, इसका इसकी मज़ार आपको दिखाता हूँ। क्लोज आ गए हैं, आप खुद देख रहे हैं, समझे दोस्तों। और ये एच है, एच का मतलब हेलीकॉप्टर। यहाँ पर बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जब वर्सी होती है, मतलब फिर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, इसीलिए यहाँ पर उसके फर्जंद या उसके हस्बैंड वो आते हैं, या कोई भी यहाँ पर आते हैं जो कॉमन मैन नहीं हो, प्रोफेशनल मैन हो, वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर में उतरते हैं। देखो आगे दिखा दें आपको, ये सिक्योरिटी है चेकिंग के लिए। अभी हम यहाँ से अंदर आए, जो आपको मैंने सिक्योरिटी दिखाई उससे अंदर यहाँ से आए हैं अभी। और ये अंदर का ये माहौल है, अंदर का ये माहौल, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद है, और ये उसका फर्जंद बिलाल भुट्टो, ये आसिफा, और ये बख्तावर भुट्टो। अभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 2007 में शहीद हुई थी, 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर को शहीद किया गया था, समझे। ये देख सकते हैं आप, अंदर जाते हैं चलो। मज़ार है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार है, और ये पता नहीं, अंदर बहुत सारी मज़ारें हैं। ये शहीद बेन क्या बोलते हैं, अवामे वज़ीर आज़म परचम में हज़रत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये मज़ार है। और ये शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार है ये अंदर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दूसरी जगह भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे को शहीदों गैलरी के नाम से पहचाना जाता है। एक मिनट में आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आप जो भी देख रहे हैं, देखो ये सारे शहीद के शहीद हैं, सारे शहीद। और एक मिनट, ये वाले देखो, इसीलिए इसको शोधा गैलरी @gmail.com में, मतलब शोधा गैलरी के नाम से जाना जाता है। ये हम वो वाला गेट अंदर जो आए थे, अंदर बेनज़ीर की मज़ार है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार है। और ये यहाँ पर एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोटेशन है, आई क्या लिखा है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ,
मतलब मैं मौत से नहीं डरता, आई एम मैन ऑफ हिस्ट्री, मैं एक तारीखी मैन हूँ, एंड यू कैन नॉट साइलेंट हिस्ट्री, मुझे मतलब मेरी तारीख को कभी आप चुप नहीं रखना। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, ये कोटेशन है और ये आप खुद देख रहे हैं। क्रिकेटर्स वर्जन बाय कायदे आजम शहीद, ये वाले हैं। ऊपर आया हूँ मैं, जो आप रोज़ा आप देख रहे थे ऊपर, ये गुब्बा जो लगा पड़ा है, ये ऊपर आए हैं हमने, ये ऊपर ये सीन है कुछ। गया था बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शहीद बेनज़ीर की मज़ार में आने, मैंने आपको दिखाई, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मज़ार दिखाई, वो ऊपर देखो ये ऊपर हैं, वो नीचे असल नीचे हैं, ये ऊपर आर्टिफिशियल हैं, समझे आप। तो जो भी आए ऊपर कुल पढ़ सकता है, और ये वहाँ बेहतरीन लोकेशन है, देख सकते हैं आप खुद, माशाल्लाह बड़ा नज़ारा है। बेनज़ीर वो लीडर है, मतलब मुस्लिम कंट्री की पहली वज़ीर आज़म है वो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो शख्सियत है, वो अजमत है जो गरीब लोगों की खिदमत करती थी। और दूसरी बात, तो बड़ी शख्सियत है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात, वो 2007 में शहीद हो गई थी दिसंबर की 27 तारीख पर, और ये वो लीडर है मुस्लिम कंट्रीज़ की पहली वज़ीर आज़म है, ये बड़ी अजमत वाली है। तो समझे दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो, और ये लाड़काने में ही आती है, लाड़काने में ही आती है डिवीज़न में, लाड़काने से ये मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर है बेनज़ीर की मज़ार। चलो कितने भी मेरे ख्याल, हाँ 20-25 किलोमीटर होगी मेरे ख्याल से। वैसे ठीक है, बस यही कुछ सीन थे जो आपको दिखाने थे। ये देख रहे हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल सामी न्याज जो है, सामी न्याज चैनल मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करें। बस यही था, बस।